हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। जी हां, आज मैं लेके आया हूं इंटेल का स्पेक्टर सीरीज का लैपटॉप। बहुत कुछ खास है इस लैपटॉप के अंदर। देखिए, आप ये मत सोचिए कि स्पेक्टर सीरीज के हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही खास है। जी हां, इसके अंदर एचपी ने इंटेल अल्ट्रा प्रोसेसर यूज किया है। जी हाँ, इंटेल अल्ट्रा प्रोसेसर। अभी तक हम सुनते आ रहे थे इंटेल कोर i3, i5, i7। जब भी हमारे माइंड में आता था स्पेक्टर सीरीज, तो हमारे पास यही होता था कि i5 होगा, i7 होगा, लेकिन ये अल्ट्रा 7 है विद एआई टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत टेक्नोलॉजी यूज चेंज हो चुकी है, एआई मार्केट में आ चुका है। अब हम एक या दो साल के अंदर बहुत चेंजेस देखेंगे, जिसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। एचपी ने लॉन्च कर दिया है EU 0666U। जी हाँ, इसमें एचपी ने दो लैपटॉप लॉन्च किए हैं, 0556U और 0666U। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर का फर्क है, जो आज हम आपके पास लेके आए हैं 666U। यह है नाइटफॉल ब्लैक। जी हाँ, आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। इसका बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे अल्ट्रा प्रोसेसर का बैक पैनल कैसा होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये लैपटॉप हमें एचपी इंडिया से मिला है और जिस डीलर के थ्रू मिला है वो करोल बाग में एचपी वर्ल्ड है, लेजेंड कंप्यूटोनिक्स, ओमेन प्ले ग्राउंड भी है। ये दिल्ली का वन एंड ओनली हाइब्रिड स्टोर है। यहां पर आपको गेमिंग लैपटॉप के साथ साथ लाइफस्टाइल भी प्रोडक्ट भी मिलते हैं। दिल्ली के अंदर एक लोता एक मात्र हाइब्रिड स्टोर है, जहां पे आपको ऑफर्स भी मिलेंगी। जो भी जेन्युइन ऑफर्स एचपी देता है वो आपको यहां पे मिल जाएगी। जब भी आपने लैपटॉप लेना है तो इस स्टोर पे एक बार विजिट जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे यही कहूंगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम नए नए लैपटॉप, जो भी नई लॉन्चिंग होगी, हम हमेशा कोशिश करेंगे लैपटॉप लॉन्च हो और उसकी वीडियो हम आपके पास लेके आए। हमने पहले भी 14 जनरेशन ओमेन की वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड करी थी। हम कोशिश करेंगे ये भी जल्द से जल्द अपलोड कर दे और आपके लिए, आप देखेंगे कोई भी आपको वीडियो YouTube पे ना मिले अल्ट्रा प्रोसेसर की, सबसे पहले हम आपके लिए लेके आए, वो भी हिंदी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप को करते हैं अनबॉक्स। देखिए, सुपर प्रीमियम लैपटॉप की पैकिंग भी सुपर प्रीमियम दी है HP ने। बॉक्स के अंदर हमें बॉक्स मिला है, तो हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम टैब ओपन कर रहे हैं। बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है, बहुत लाइट वेट, मेटल बॉडी के अंदर ये लैपटॉप है। ये देखिए, नाइटफॉल ब्लैक पहले भी हम देख चुके हैं। पहले हम इसको अगर लैपटॉप के बारे में देखते हैं, फिर इसमें देखेंगे बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। इसके अंदर स्टाइलस भी मिलता है, क्योंकि टच एंड टू इन वन होता है। मैं आपको दिखा देता हूं लैपटॉप, पहले आपको 360 डिग्री मूव होता है ये, राइट। देखिए, वेट की अगर आप बात करेंगे तो बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है ये। और अगर हम स्लीकनेस की बात करेंगे, देखिए, अगर ये लैपटॉप ऐसे रखा हुआ है तो आप यूं देख पा रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा एक पेन है जो सिर्फ आपको पेन ही दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, चारों तरफ से बिल्कुल स्लीक लैपटॉप है। सिर्फ 1.44 केजी का ये लैपटॉप है। अगर मैं इसको उठा के, अगर आप बड़ा बैग कैरी करना नहीं चाहते, तो आप बिल्कुल लाइट वेट में एक स्लीव्स के अंदर डाल के आप इस लैपटॉप की देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा, बिल्ड क्वालिटी मेटल बॉडी में ये आपको लैपटॉप मिलता है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। आप कभी भी स्पेक्टर के लिए आप सोचिएगा मत कि बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। हम इसे ओपन करते हैं। देखिए, वॉबलिंग भी आपको इसमें, इस लैपटॉप में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। 360 तक तो जाता ही है, तो हम यहां पे रखेंगे तो ये सिर्फ 180 तक जा सकता है। तो इसके बॉक्स में भी हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए, कितनी प्रीमियम तरीके से एचपी इसमें रखता है। पावर एडेप्टर है जो आपको मिलता है इसमें, टाइप सी पावर एडेप्टर आपको इसमें मिलता है। ये आपका पावर कोड, इसमें आपको एक कन्वर्टर मिलता है जो टाइप सी से कनेक्ट होगा। एक टाइप सी आपको एक्स्ट्रा और दे देगा और एक एचडीएमआई पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसके अंदर आपको मैनुअल मिलेगा और यहां पे आपको मिलता है स्टाइलस। यहाँ टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के साथ आपको स्टाइलस भी मिलता है। आप ओपन करेंगे, ये आपको इसमें स्टाइलस मिलेगा। तो दोस्तों, लैपटॉप को बूट अप करते हैं, इसके पोर्ट्स देखते हैं। पोर्ट्स हमेशा आपको कभी भी स्पेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा, इसीलिए हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इसके पोर्ट्स देखते हैं। बाद में कहीं मत जाइएगा, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। इसका बैक पैनल भी ओपन करके हम आपको दिखाएंगे। लैपटॉप के अंदर आपको बहुत ज्यादा पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, स्पेक्टर सीरीज है। एक पोर्ट आपको मिलता है USB Type-A 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ।
एक आपको मिलेगा हेडफोन जैक 3.5 mm का हेडफोन और माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए, और दो आपको मिलते हैं थंडरबोल्ट 4 विद यूएसबी टाइप सी 40 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए सीपीयू है, आप देखिए इंटेल कोर अल्ट्रा 7155H। ये प्रोसेसर की मेरी पहली वीडियो है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए बेस स्पीड है 1.4 GHz टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ये बूस्टअप होके जाएगा 4.8 GHz तक। कोर्स 16 कोर्स हैं। देखिए अभी तक हम बात करते थे इंटेल के अंदर एक कोर होता था परफॉर्मेंस कोर, एक एफिशिएंट, इसके अंदर तीन कोर हैं, परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंट कोर और लो पावर एफिशिएंट कोर। जी हाँ, तीन कोर आप में आपको इसमें मिलते हैं। पहला कोर परफॉर्मेंस कोर जो इसमें 6 है, एफिशिएंट कोर 8 है और लो पावर एफिशिएंट कोर है इसके अंदर वो 2 है। देखिए लो पावर उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 2.5 GHz तक रहेगी सिर्फ, तो इसमें तीन कोर हैं। ये आपके जो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया है ये टोटली एआई बेस्ड है। आगे जो फ्यूचर है वो एआई का है, ये एआई को ही की परफॉर्मेंस को ही बेटर करेंगे। आपने कभी जब भी एआई टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो आपको इन्हीं प्रोसेसर की आगे जरूरत पड़ने वाली है। देखिए लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे 22 है, इसमें आप ये देखेंगे वर्चुअलाइजेशन भी एनेबल्ड है और L3 कैशे भी आपको 24 MB की इसमें मिलती है। मेमोरी देखिए 32 GB की मेमोरी है इसमें LPDDR5X। जी हाँ, स्पीड देखेंगे इसमें 7467 MHz की इसमें मेमोरी लगी हुई है। स्लॉट यूज टू के दोनों चिप्स दोनों इनबिल्ट है इसके अंदर, रैम है LPDDR5X मेमोरी है इसके अंदर जो अपग्रेड नहीं होगी इसके अंदर, जब बैक पैनल ओपन करेंगे आपको वो भी दिखाएंगे। और 32 GB की मेमोरी है, डिस्कियोसिया की डिस्क लगी हुई है, 1TB Gen 4 954 GB आपको इसमें मिलती है कैपेसिटी। वाईफाई देखिए 7BE आपको इसमें मिलती है, अभी तक हम 6 देखते थे, इसमें वाईफाई 7 है। ब्लूटूथ भी 5.4 आपको इसमें मिलता है। जीपीयू इंटेल आर्क प्रोसेसर, देखिए पहले हम AMD में सुनते थे जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता था, इसके अंदर भी आपका आने लगा इंटेल आर्क ग्राफिक्स। आपको पहले हमने USD देखा, आयरिस देखा, इसमें है हमारा इंटेल आर्क, शेयर्ड है 15.8 GB। यहां आपको एक नई चीज देखने को मिल रही है NPU। देखिए यहां पे आपको मिलेगा इंटेल AI बूस्ट। अब जब आप फ्यूचर के अंदर आएंगे तो फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, नई टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर बेस होगी। ये प्रोसेसर भी उसी पे बेस है जो आपके ग्राफिक्स को बूस्ट अप कर देता है। शेयर्ड मेमोरी आपको 15.8 GB आपको मिलेगी। देखिए जो NPU है ये टोटली AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बना है, जब हम AI आगे यूज करेंगे उसमें NPU टेक्नोलॉजी यूज होगी। ये एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, अगर मैं इसको आज NPU आपके साथ डिस्कस करने बैठूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज के लिए मैं आपको इतना ही समझा सकता हूं कि ये एक अलग से प्रोसेसर जो उन्होंने अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एफिशिएंट और आपका परफॉर्मेंस कोर और लो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, ये उसी का एक पार्ट है। कॉन्फ़िगरेशन के समय जो आप वॉइस सुन रहे थे वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी, जिससे आपको माइक की क्वालिटी भी पता चल जाए। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो 14 इंचेस का 2.8K डिस्प्ले आपको इस पे देखने को मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 ओलिड डिस्प्ले है, मल्टी टच अनेबल्ड है, 120Hz स्क्रीन तक ये सपोर्ट करता है, 0.2 ms रिस्पांस टाइम है, UWVA आपको इसमें मिलता है, H2H ग्लास है, माइक्रो एज है, एंटी रिफ्लेक्शन कोरोनिंग गोरिला ग्लास आपको इसमें मिलेगा, लो ब्लू लाइट, 400 nits, HDR 500 nits, HDR 400 nits, 100% sRGB आपको इसमें देखने को मिलेगा। कैमरे की बात करें तो इसमें HP वाइड विजन 9 MP IR कैमरा विद शटर के साथ आपको इसमें मिलेगा, टेम्पल नॉइस रिडक्शन और इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन आपको इसमें
मिलते हैं। ये जो वॉइस और आप मुझे अभी देख रहे हैं, ये वीडियो भी है और ये वॉइस भी हमने इसी लैपटॉप के माइक से और कैमरे से रिकॉर्ड करी है। इसमें 9 मेगापिक्सल का कैमरा है विद एआई टेक्नोलॉजी के साथ, कि जैसे जैसे अगर आप मूव भी करेंगे तो वो ऑटो फ्रेम में अपने आप को एआई टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने आप को फोकस कर लेगा। इसमें आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है नाइटफॉल ब्लैक कलर के साथ। और अगर आप पॉइंटिंग डिवाइस की बात करेंगे तो हैप्टिक टच पैड है, इसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी आपको मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अल्ट्रा 7 प्रोसेसर स्पेक्टर का भी बैक पैनल ओपन करके आज आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। तो देखिए, इसमें दो प्रोसेसर एक है, इसमें दो फैन आपको दिखाई जरूर दे रहे हैं, दो फैन लगे हैं इसके अंदर। हैवी प्रोसेसर इंटेल का इसमें लगा हुआ है, एचपी ने जो दिया है। अगर हम बात करेंगे एसएसडी की, तो देखिए यहाँ एसएसडी लगी हुई है जो कवर से इन्होंने कवर कर रखी है। अगर हम यहाँ पे कवर से हटाते हैं तो यहाँ पे हमें रैम देखने को मिलती है जो ऑनबोर्ड है, जिसको हम अपग्रेड नहीं कर सकते। साथ में आपको वाईफाई 7 इसमें जो मिलता है वो आपको दिखाई देगा। एसएसडी को अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जिस्टिंग एसएसडी को रिमूव करना पड़ेगा, तब एसएसडी हमारी अपग्रेड होगी। यहां देखिए, अब बैटरी है, जितना बड़ा मदरबोर्ड है उतनी बड़ी हमारी बैटरी है, 68 वर्क आवर्स की बैटरी इसमें आपको मिलती है। अगर हम यहां पे देखिए, इसमें स्पेशल देखेंगे, पोलियो स्टूडियो है इसके अंदर, पोलियो साउंड दे रखा है। तो इसमें आप देखेंगे दो बुफर और दो स्पीकर, यानी 4 स्पीकर आपको मिलते हैं। इसका साउंड बहुत जबरदस्त है कि इसमें साउंड आपको बहुत बेटर आएगा। अब हम अपग्रेडेशन की देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ अपग्रेड नहीं हो सकता, सिर्फ एक एसएसडी है जो एक्सिस्टिंग एसएसडी आप रिमूव करके ही कर सकते हैं। सुपर प्रीमियम लैपटॉप है, लाइट वेट लैपटॉप में वैसे भी अपग्रेडेशन की ऑप्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, आज हमने अनबॉक्स किया एचपी की सुपर प्रीमियम सीरीज में स्पेक्टर सीरीज को अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ। देखिए, ये एक नई सीरीज अभी लॉन्च हुई है। इंटेल ने खुद अपना अल्ट्रा 7 प्रोसेसर लास्ट क्वार्टर 2023 के लास्ट क्वार्टर में लॉन्च किया था, और सबसे पहले एचपी ने अपने लैपटॉप में इसको लॉन्च किया है, वो भी स्पेक्टर जो सुपर प्रीमियम सीरीज है एचपी की, उसमें लॉन्च किया है। देखिए, अगर मैं ये बात करूंगा फ्यूचर की, तो जब जिन्होंने भी एआई बेस्ड वर्किंग करनी है उनके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट है। देखिए, आप लाइट वेट भी लेना चाहते हैं, एक आप प्रीमियम, ये लैपटॉप एक प्रीमियम रेंज को कवर करता है, सुपर प्रीमियम रेंज को। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की हमने जैसे बात करी, तो 32 GB आपको इसमें LPDDR5X रैम आपको मिली, 1 TB SSD है। देखिए, अपग्रेड की ऑप्शन नहीं होती, जैसे कि हमने ओपन करके देखा, अपग्रेड की ऑप्शन आपको कभी भी सुपर प्रीमियम लैपटॉप्स के अंदर आपको नहीं मिलती। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो फुल्ली मेटल बॉडी में IMAX एनहेंस्ड के साथ इंटेल EVO प्रोसेसर। देखिए, जो भी आज की डेट में जो अभी चल रहा है, सबसे लेटेस्ट के अंदर बात करेंगे तो वो ये लैपटॉप है जो HP ने लॉन्च किया है। आप इस लैपटॉप के ट्रैक पैड की बात करें, माउस पैड की, वो आपको अलग फील देगा। आप इसके कीबोर्ड की बात करें तो बिल्कुल, साउंड भी आपने देखा, पॉली साउंड इसमें लॉन्च किया है एचपी ने। जी हाँ, मतलब हर तरफ से एक बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ये लैपटॉप लॉन्च किया गया है एचपी के द्वारा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर के अंदर एआई पे वर्किंग करना, तो आप ये लैपटॉप को ले सकते हैं। ये याद रखिएगा, गेमिंग के लिए नहीं है लैपटॉप। अगर आप गेमिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं है। आप बाकी कोई भी काम करना चाहें, एडिटिंग वगैरह, अगर आप इसमें कोरल फोटोशॉप भी काम करना चाहें तो बहुत लाइट है, आप इजिली कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग भी आप इसके अंदर कर पाएंगे, लेकिन बहुत हाई एंड में नहीं करिएगा, उसके लिए आप बिल्कुल डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला ही लैपटॉप लीजिएगा। एचपी ने ये स्पेक्टर लैपटॉप अपने दो कलर्स में लॉन्च किया है, एक स्टेट ब्लू कलर में और नाइटफॉल ब्लैक में। नाइटफॉल ब्लैक जो नॉर्मली इसका पहले चलता आ रहा था, ब्लू कलर भी पहले स्पेक्टर सीरीज में आ रहा था, जो आज हमने ओपन किया है वो नाइटफॉल ब्लैक है, जिसका जो हमारा मॉडल है वो है 0666TU और ब्लू कलर में 0556TU। प्राइसिंग की बात करेंगे तो एचपी ने इस पे 1,65,000 की प्राइसिंग रखी है। अलग अलग डिस्काउंट पे आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर जो करोल बाग में एचपी वर्ल्ड, जिसे हम ओमेन प्लेग्राउंड कहते हैं, हाईब्रिड स्टोर है दिल्ली का एकमात्र, आप यहाँ पे जरूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस भी जेन्युइन मिलेंगे और जो भी एचपी की ऑफर्स होती है वो आपको सब मिल जाएंगी। एचपी इसके साथ
वन ईयर ऑन साइट वारंटी देता है। अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम आपको एक्सटेंडेड वारंटी की ऑफर मिलती रहती है। जब भी आप एचपी होम एंड प्लेग्राउंड करोलबाग स्टोर पे जाएंगे तो आप या किसी भी एचपी वर्ल्ड पे जाएंगे तो वहां पे आप जरूर पूछिएगा कि एक्सटेंडेड वारंटी अभी क्या ऑफर चल रही है। और हाँ, मैं आपको ये कहूंगा, बहुत प्रीमियम लैपटॉप है, टच स्क्रीन है, 360 मूव हो जाता है, तो देखिए इसके डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट है। इसको लोग कई बार केयरलेस से भी यूज करते हैं और अगर स्क्रीन डैमेज हो जाए तो वो थोड़ी कॉस्टली होती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आप स्पेक्टर सीरीज का लैपटॉप लें, इसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जरूर लीजिए। एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन का मतलब होता है अगर कि लैपटॉप की स्क्रीन डैमेज हो जाए, लैपटॉप डैमेज हो जाए, कुछ कहीं भी कुछ भी डैमेज हो जाए, एचपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस पार्ट को रिप्लेस करके देता है। अलग अलग आती है, एक साल की भी होती है, दो साल की भी, मैक्सिमम तीन साल की एचपी आपको ऑफर करता है। मैं यही कहूंगा बहुत नॉमिनल प्राइसेस के अंदर एचपी आपको इसकी तीन साल की वारंटी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन दे देता है, तो वो आप जरूर लीजिएगा इस लैपटॉप के साथ। लेकिन वो सिर्फ एचपी की लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी की मत लीजिएगा। थर्ड पार्टी में आपको वारंटी नहीं मिलेगी, वारंटी मिलेगी तो बहुत टाइम मिलेगा और उसमें पार्ट पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी और आपको ये भी नहीं पता कि उसमें वो पार्ट जेन्युइन डला है या नहीं डला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, जब भी नया लैपटॉप लॉन्च होता है तो कंपनी से उसे लेना, उसकी वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, आपके लिए उसका रिव्यू लेके आना। और हाँ, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।